ये है मैडम होशियार, पढ़े लिखे और समझदार, कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करती हैं। यही कारण है कि अपने गांव में ही नहीं बल्कि पड़ोस के गांव के लोग भी इनसे सलाह लेने आते हैं। मेरे बेटे को बुखार आ जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, किस डॉक्टर को दिखलाए, आप ही कुछ बतलाइए। दीदी, मेरी बेटियां मैट्रिक की परीक्षा अच्छा नंबर से पास की है और फर्स्ट डिवीजन से पास की है। अच्छा बताइए ना, कैसे पढ़ाएं और कहाँ पढ़ाएं? लेकिन ये क्या, अपनी गीता दीदी तो तैयार होकर अपने पति के साथ कहीं जा रही हैं। लगता है ये दोनों किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। नहीं नहीं, आज मैं सलाह लेने जा रही हूँ। क्या दीदी और सलाह? ये क्या, सलाह देने वाली मैडम आज सलाह लेने जा रही हैं? जरूर कोई बड़ी बात होगी। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज मैं परिवार नियोजन के लिए सलाह लेने जा रही हूँ। लेकिन अभी तो आपका परिवार पढ़ा ही नहीं, फिर परिवार नियोजन कैसा? मेरा मतलब अभी से ही ये क्यों सोच रही हो? इसीलिए तो लोग मेरी मैडम को होशियार कहते हैं। बेहतर कल की शुरुआत आज से करनी चाहिए। परिवार बढ़ाने से पहले ही परिवार नियोजन की बातें जान लोगे तो आगे चल के और फायदा होगा। शर्माइए नहीं, आज ही अपने नजदीकी आशा दीदी या ANM दीदी से जाकर मिलिए और परिवार नियोजन से जुड़ी पूरी जानकारी लीजिए, जैसे आज हम दोनों जा रहे हैं। अगर आपको भी जानना है तो आइए मेरे साथ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आओ 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 गीता, बैठो। क्या बात है गीता, सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ दीदी, सब ठीक ठाक है। वो आपसे कुछ सलाह लेनी थी तो इन्होंने कहा कि चलो ANM दीदी के घर चलकर पूछ ही आते हैं। बिल्कुल ठीक किया। तो फिर क्या जानना चाहती हो, पूछो ना। गीता को परिवार नियोजन के बारे में बताया था, हम लोग उसी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने आपसे आए हैं। अरे मुझे तो पता था कि ये मैडम होशियार है, पर तुम तो दो कदम और आगे निकले। दीदी आपने जो पिछली बार हमें बताया था वो जानकारी दीजिए ना, ये भी जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं शुरू से ही बता देती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब महिला पहली बार गर्भवती हो तो उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। और ये पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए कि आप दोनों माता पिता बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। चलो भगवान का शुक्र है, ये फैसला तो हम दोनों ने ही पहले से ही सोच समझ के लिया है। इसलिए तो आप दोनों होशियार हो। इसके बाद आप दोनों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच का अंतर कम से कम 3 साल का होना चाहिए। ऐसा क्यों दीदी? पहली बात तो ये है कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे, आप अपने बच्चे को अधिक समय दे पाएंगे, उसके खान पान का अधिक ख्याल रख पाएंगे, है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि माँ और बच्चा जब दोनों स्वस्थ रहेंगे तो सोचो तुम्हारा पैसा भी तो बचेगा। हाँ दीदी, ये बात तो सही है। अब मोहन भैया को देखो, 5 बच्चे हैं उनके, वे हमेशा परेशान रहते हैं, कभी बच्चों के पढ़ाई को लेकर तो उनकी बीमारी को लेकर। इसलिए तो लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार जब छोटा होगा तो हम उन्हें एक नई जिंदगी दे सकते हैं और हम भी तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन हम 2 बच्चों के बीच अंतर कैसे रखें? मतलब कि वो सब मैं तुम्हें बताती हूँ। परिवार नियोजन के कई तरीके हैं, उनमें से किसी को भी तुम अपना सकते हो, जैसे कि कॉन्डोम, माला डी, माला एन या फिर कॉपर टी। चाहो तो इनमें से किसी को भी अपना सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनमें से किस उपाय को अपनाना चाहते हो। कॉन्डम का प्रयोग तो हम लोग पहले से ही करते आए हैं। ठीक उसी तरह जब तक गीता माँ नहीं बनना चाहती तब तक वो माला एन या माला डी का प्रयोग कर सकती है।
दीदी ये कॉपर टी तो लंबे समय के लिए होता है ना? हाँ भाई, ये 5 या 10 सालों के लिए होता है। दीदी, ये माला डी और कॉपर टी से हमारे शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? मतलब कि हमें दोबारा माँ बनने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं गीता, कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान होता है। ठीक है दीदी, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो फिर हम आपके पास आएंगे। हाँ दीदी, हम लोग इस पर सोच विचार करके ही निर्णय लेंगे। हाँ हाँ, मैं तो तुम लोगों की सहायता के लिए ही यहाँ हूँ। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। क्या सोच रहे हो? यही ना कि परिवार नियोजन के लिए कौन सा उपाय अपनाना है? अरे नहीं रे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाजार से तुम्हारे लिए क्या लूँ, जलेबी लूँ या फिर समोसा। अब तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आओ बनो अब तुम भी होशियार और परिवार नियोजन को करो स्वीकार। अब हम लोग जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के ही लेंगे, ताकि हमारे साथ साथ हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो। समझी मैडम होशियार? चलो अब घर चलते हैं। परिवार नियोजन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पहला बच्चा औरत के 18 साल की उम्र होने के बाद ही होना चाहिए। बच्चा पति और पत्नी दोनों की सहमति से होना चाहिए। दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। परिवार नियोजन और बच्चों में अंतर रखने के फायदे। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे। आप अपने बच्चे को अधिक समय दे पाएंगे। माँ और बच्चे को अच्छा खान पान मिलेगा। आप अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। माँ और बच्चा जब दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। इसलिए जिंदगी की खुशहाली का यही है सार, छोटा परिवार सुखी परिवार।